जाते हैं, एक वो कसाई जो कि अपने मुंह में गुटखा लेके फिर रहे होते हैं, इतने बकरे के बाल काटूंगा फिर बकरा काट। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज आपकी दोस्त और आपकी दोस्त आयमा जो है वो आप लोगों के सामने हाजिर है, और इस वक्त में जो है मेरे अकब में देखे तो एक बड़ी तादाद में आपको जो है वो प्यारी प्यारी गायें और बछड़े जो है वो नजर आ रहे होंगे। मैंने बिजाई करते जोर से मार दिया, आराम से मार देती हूँ, बहुत जोर से मार दिया। आती है तो हमारे घर में जो एक अदद अब्बा है, हमारे एक अदद सबके घर में वैसे एक अदद ही अब्बा होते हैं, एक अदद अब्बा और भाई शाही होते हैं, मेरे तो खैर भाई नहीं है तो मेरे एक अदद अब्बा है। तो अब्बा के ना दिमाग में घुस जाता है कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी। बीच में आ गई थी मुझे लाइव की कॉल तो मुझे जाना पड़ा लाइव देने के लिए, और अब लाइव देख के मैं वापस आई हूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक था वो था कसाई, ईद आते साथ ही कसाइयों की भी चांदी हो जाती है। बहुत बुरे लग रहे हो। तो हमारे यहाँ ना तीन तरह के कसाई पाए जाते हैं, एक वो कसाई जो कि अपने मुंह में गुटखा लेके फिर रहे होते हैं, इतनी स्टोरेज कहाँ से आती है समझ नहीं आई मुझे आज तक उनके मुंह में, इतनी स्टोरेज होती है उनके मुंह में। और वो कसाई जो होते हैं वो जब बकरा काटते हैं तो पहले उनके मुंह से जो निकल रहा होता है वो निकलता है, फिर बकरे में से जो निकल रहा होता है वो निकलता है। दूसरे कसाई होते हैं हमारे नाई कसाई जो कि ईद वाले दिन कसाई बन के आ जाते हैं। वो कसाई ईद वाले दिन पहले आते हैं तो कहते हैं पहले बकरे के बाल काटूंगा फिर बकरा काटूंगा। तीसरे होते हैं हमारे बिंगोट कसाई, बिंगोट इसका ही तो फर्क है बस, बीस का फर्क। वाले दिन भी ये होता है कि बस सफाई कर लो अम्मी, मेहमान आ रहे सफाई कर लो, ठीक है अम्मी कर लेते सफाई, झाड़ू लगा ली पोछा लगा लिया सब साफ कर लिया, अलमारी साफ करिए, अलमारी अलमारी में क्या करना था अम्मी, बेटा अलमारी भी साफ करो मेहमानों ने आना है। अम्मी क्या मेहमानों को अलमारी में बिठाना है? तो मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी क्यों ना हम ऐसे करें कि जहाँ से मेहमान आ रहे हैं उनके घर से ही शुरू करते हैं ना, आजे आजे गाड़ी में वो एक कदम गाड़ी से एक कदम उतरे, आजे 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 रास्ता साफ है, आजे खाला आजे आजे। फिर अब्बू का फोन आया दोबारा से, बेटा कुर्बानी करनी है बस कसाई रेडी है। हमने बोला ठीक है अब्बू, दिया मैंने बकरे की कलेजी कहाँ से आई अब्बू, हमने तो बछड़ा लिया था ये बकरे की कलेजी कहाँ से आई। अब्बू ने कहा कुर्बानी करनी थी ना, हो गई कुर्बानी, अब खाओ अब ये कलेजी बनाओ जल्दी से। बाद में पता चलता है वो हमारा बकरा नहीं पड़ोसियों का बकरा होता है, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई खाले मिलाई तो भी पता चला कि वो तो पड़ोसियों का बकरा अब्बा कुर्बान करके ले आए। बाद में हमें ये सारी हकीकत पता चली, उसके बाद हमने अब्बू को कहा अब्बू ये हमारा बकरा नहीं था, हमारा तो बछड़ा था, ये तो पड़ोसियों का बकरे की कलेजी है। अब्बू तो क्या हुआ, उनको भी बुला लो कलेजी खा लेंगे। तो ये था हमारा आज का शो, और यहाँ पे प्यारी प्यारी काली ब्राउन और सफ़ेद बैले और गायें जो है वो खड़ी हुई है, मुझे डर भी लग रहा है इनके पास जाते हुए, और ये मुझे तो बहुत खतरनाक किस्म की लग रही है। तो वो बोल रहे व्यापारी कह रहे नहीं 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 देखो वो तो नहीं, 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 सर नहीं, नहीं लड़ने वाला सिंह सिंह मेरे पास लाइए हाय जाओ, नहीं नहीं डंडा नहीं मारो। डर भी लग रहा है मुझे क्योंकि कभी इस तरह से ना इतने करीब से मैंने इन जानवरों को देखा नहीं है। तो खैर, और मुझे ऐसा नीचे भी फील हो रहा है कहीं नीचे से कुछ ना आ जाए। तो खैर ये था आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक भी करेगा सब्सक्राइब भी करेगी। यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा, मेरे पास माइक नहीं है, गरीब हूँ ना मैं, क्या करूँ, मैं गरीब, मेरे अब्बा गरीब, मेरे दादा गरीब, हम खानदानी गरीब शुद्ध गरीब, ऐसा नहीं था कि हम पहले अमीर थे फिर गरीब हो गए, हम शुद्ध गरीब है, पैदा होगी मैं तब से गरीब हूँ। तो माइक नहीं मेरे पास, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, और चैनल को लाइक भी करिएगा सब्सक्राइब भी करिएगा और स्टे ट्यून्ड।